हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शालीन बनोट के बारे में। शालीन का पूरा नाम शालीन ब्रिजमोहन बनोट है। शालीन को प्यार से शाह बुलाया जाता है। शालीन का जन्म 15 नवंबर 1984 को जबलपुर एमपी में हुआ था। उनकी हाइट 5.10 इंच है और उनकी वेट 70 केजी है। उनके घर में उनके मदर, फादर और सिबलिंग्स है। उनके मदर का नाम सुनीता बनोट, उनके फादर का नाम ब्रिजमोहन बनोट और उनके भाई का नाम राहुल बनोट और सिस्टर का नाम श्वेता बनोट है। शालीन ने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन एमपी से कंप्लीट की। वो एक ट्रेन डांसर हैं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का जज्बा था। 2004 में उन्होंने टीवी पर डेब्यू किया एमटीवी रोडिक से। उसके बाद वो 2005 में आयुष्मान, 2005 में सात फेरे सलोनी के सफ़र, 2006 में सनिया, कुलबधु, बिटिया हमारी या पराया धन, काजल, आहत, नागिन, एयर होस्टेज, शी, फिर कोई है, सास वर्सेस बहू, दिल मिल गए जैसे शो में नज़र आए। दिल मिल गए में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। उसके बाद वो गृहस्थी, नच बलिए 4 में नज़र आए, जिनमें वो अपनी वाइफ के साथ नज़र आए थे और उसके वो विनर थे। 2010 में हंसों का जोड़ा, 2011 में बात हमारी पक्की है, बींद बनोगी, घोड़ी चरूंगा, नच ले विद सरोज खान, 2012 में सजदे तेरे प्यार में, 2014 में ये है आशिकी बॉक्स क्रिकेट लीग, 2015 में सुपर कप्स भर सुपर विलियन और सूर्य पुत्र करण में वो नज़र आए। 2017 में शेरे पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह, लाल इश्क और 2019 में राम शिया के लवकुश में वो नज़र आए। उसके बाद वो नागिन 4 में नज़र आए और 2022 में बिग बॉस 16 में नज़र आए, जिसमें वो टॉप 5 पर गए थे। उसके बाद 2023 में वो बेकाबू में नज़र आए, जहां उन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया। शालीन ने वेब सीरीज़ भी की है। द रेड लैंड 2019 में आई थी और इंस्पेक्टर अविनाश जो 2024 में आई थी। उनकी एक मूवी भी आई थी जो बहुत पहले आई थी 2006 में, प्यारे मोहन। तो चलिए बात करते हैं शालीन की सैलरी और नेटवर्थ के बारे में। शालीन की सैलरी 4 से 5 लाख है और उनकी नेटवर्थ 12 करोड़ है। चलिए बात करते हैं शालीन की मैरिड लाइफ के बारे में। शालीन की शादी दलजीत कौर से हुई थी, जिनके साथ वो रिलेशन में भी थे। 9 दिसंबर 2019 को उन्होंने शादी की थी, लेकिन उन दोनों की शादी ज़्यादा चल नहीं पाई और 25 जुलाई 2016 को उन्होंने डिवोर्स ले लिया। उनका एक बेटा है जिनका नाम जेडन है। शालीन को मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनालिटी का भी अवार्ड मिल चुका है। सुनने में आ रहा है कि वो इस साल खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।